जैन साथियों, तो देखिए आज वीडियो अकेले ही बनाना पड़ रहा है ताकि वो मतलब जो हमारे मेंबर हैं, जो सर हैं, वो अभी अब्सेंट हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। देखिए आज थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि देखिए ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे कि कौन से लोग किस ब्लड को मतलब दे सकते हैं, ठीक है, और कौन से लोग उस ब्लड को रिसीव कर सकते हैं, मतलब कि डोनर और रिसीवर के बीच में क्या कॉम्बिनेशन होता है, इस बात को इस वीडियो के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो बन रहे वीडियो में और स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला बात है कि देखिए ब्लड, किसी का ब्लड लेने के पहले उसके बारे में जानना पड़ता है कि हाँ वो किस ग्रुप का ब्लड है, और कोई भी व्यक्ति जब ब्लड अपने देते हैं तो उसको मतलब जानना होता है कि हाँ हम कौन से ब्लड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ब्लड देने और लेने के बीच में दो लोग का ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जैसे जो देता है उसको डोनर बोल देंगे और जो लेता है उसको रिसीवर बोल देंगे, ठीक है, जो देता है उसको डोनर और जो लेगा उसको रिसीवर बोल सकते हैं। ऐसा टॉपिक हम मतलब बता देते हैं, ऐसे तो टॉपिक बड़ा है। देखिए जो एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं, देखिए एंटीबॉडी जो होता है ना, एंटीबॉडी नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाता होगा अगर थोड़ा सा आपके पास दिमाग हो तो, ठीक है। तो देखिए एंटीबॉडी क्या करते हैं हमारे शरीर में, इसको मतलब नाम से देखिए, इसका एंटीबॉडी हमारे बॉडी के एंटी में जो भी पार्टिकल्स आते हैं हमको रोग देने के लिए, मतलब बीमारी डिजीज कॉजेस के लिए, उनसे लड़ने के लिए ये एक बॉडी में एंटी कुछ बनाता है, ठीक है। और जो एंटीजन है ये इसको बोलता है कि हाँ आप एंटीबॉडी बनाइए, ठीक है, कि रोग का जो वायरस होगा, बैक्टीरिया, वो उनसे लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडी क्या है, ये रोग या फिर वायरस से लड़ने के लिए एक जो भी केमिकल कर दीजिए, दवाई कर दीजिए, वो अपने अंदर बनाता है। और एंटीजन क्या करता है, उसको प्रेरित करता है कि भाई तुम बनाओ, ऐसे कि आने वाले दिन में अगर तुमको अटैक होगा तो वो अटैक तुम झेल लेगा, इसको प्रेरित करते हैं। देख रहे हैं कितना चलाक है। आइए अब जानते हैं, इस दुनिया में मात्र चार प्रकार के ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं। अभी हमको निगेटिव पॉजिटिव नहीं बता रहे हैं, बस जानिए कि चार प्रकार के लोग होते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझना है ना तो मतलब लग रही है साथ में, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया, ठीक है। देखिए अभी आपको बताएं एंटीजन क्या होते हैं, ठीक है। आरबीसी, यहाँ पे समझिए, छोटा सा मैं समझा रहे हैं, ये आरबीसी हो गया, ठीक है, हम लोग का। और इसके सरफेस पे, जो भी एंटीजन लगा होगा, वही हमारा ब्लड ग्रुप हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके सरफेस पे ए आ गया तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसके सरफेस पे अगर बी आ गया एंटीजन, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर इसके सरफेस पे ए बी आ गया तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इतना अगर समझ में, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते चलिए। तो एंटीजन इसमें ए लगा है, इसके मतलब ब्लड ग्रुप ए है, मतलब एंटीजन कौन सा लगा होगा, ए लगा होगा, कॉमन सी बात है, ए लगा देते हैं, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा लगा होगा, कॉमन सी बात है, बी लगा होगा, वैसे ही इस पे ए बी लगा होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ओ, देखिए यहाँ पे समझने वाला बात है, ये ओ है ना आरबीसी यहाँ पे बनाते हैं, देखिए यहाँ मान लीजिए समझने के लिए आरबीसी है। अगर इसके सरफेस पे कोई भी नहीं लगेगा एंटीजन, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। यहाँ पे कोई भी नहीं है, नील है, ठीक है, यहाँ पे नील है, कोई भी नहीं है, वहां पे पिछले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं लगा है, इसलिए ये ओ हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं लगा है तो इसको क्रॉस से दिखा देंगे, कोई भी एंटीजन नहीं है, क्रॉस से दिखा देंगे। अब देखिए एंटीबॉडी आपको बताने वाले, अभी आपको मतलब थोड़ा सा बताए थे एंटीबॉडी क्या होते हैं, उसके हिसाब से देखिए इसको इंडिकेट करेंगे एंटीबॉडी को, छोटा ए से इसको कर देंगे इंडिकेट छोटा बी से, इसको इंडिकेट करेंगे छोटा ए बी से, ठीक है, और इसको कर देंगे चलिए ओ से लेंगे, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप अभी वहां पे आपको बताएंगे, ये हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे ए बी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ओ हो गया, ठीक है। अब मेन बात आता है कि कौन किसको देगा, जिसके लिए आप वीडियो में आए हैं, जान लेते हैं। देखिए कभी भी ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी यही देखकर दिया जाता है, न कि ब्लड ग्रुप से, मतलब आप वीडियो नहीं देखने के पहले आप समझ रहे होंगे ब्लड ग्रुप ए है ए को दे देगा, ब्लड ग्रुप बी है बी को दे देगा, ब्लड ग्रुप ए बी है ए बी को दे देगा, लेकिन ऐसा वास्तविक जीवन में नहीं होता है। बस जो ब्लड ग्रुप डोनर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होता है ना, एंटीजन और एंटीबॉडी को मिलाकर किया जाता है। कभी भी इतना बस इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कभी भी एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में मैच नहीं करना चाहिए, अगर मैच कर गया तो उसका ब्लड रिएक्शन कर जाएगा और ऑन द स्पॉट पेशेंट का डेथ हो जाता है, इसलिए एंटीबॉडी और एंटीजन कभी भी मैच नहीं करना चाहिए, यही डॉक्टर को मिलाता है, ठीक है। देखिए अगर ये ए है, अगर हम मिला दें कि ये ए जो है ए को देगा ब्लड, जो एंटीजन ए है
एंटीबॉडी और एक ब्लड दे देता है, तुरंत रिएक्शन होगा आदमी ऑन द स्पॉट, मतलब बहुत कम सेकंड में मर जाएगा आदमी, समझ रहे हैं, सेकंड में मर जाएगा। देखिए ये कभी भी ए वाला को एंटीजन को नहीं देगा, किसको दे सकता है, बी वाला को देगा, किसको देगा, बी वाला को देगा, बी वाला मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। वैसे ही किसको देगा, ए बी को देगा, ए बी को नहीं देगा, काहे नहीं देगा, देख रहे हैं ए आके बैठा है पोलनी से, अगर दिखाए तो रिएक्शन मार देगा धाए से, उसको बहुत लगाव है उससे, देखते हुए अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है। ये किसको देगा, ओ को, समझ गए, ये किसको किसको दे सकता है, ओ को, बी को, समझ गए। वैसे ही बी किसको देगा, ए को देगा, चलिए ए को दिलाते हैं, ए को दे दिया, बी बी को देगा, नहीं देगा, कहे नहीं देगा, दे दिया तो अगर दूसरे हो जाएगा तो उसको नहीं दिलाएगा, ठीक ना, वहां को नहीं देना है, मत दीजिए। तो ये किसको देंगे, इसको भी नहीं दे सकते हैं, देखिए कैसे कि बी पोलाइन से वेट कर रहा है, जाएगा तो रिएक्शन कराएगा ध्यान से, अपन काम स्टार्ट कर देगा, ओ को दे देंगे, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए ए बी किसको देंगे, ए बी ई को देंगे, नहीं देंगे, कहे नहीं देंगे, इसका ये मैच कर देगा, रिएक्शन कर देगा, ठीक है, उसको नहीं देंगे, तो बी को देंगे, इसको भी नहीं देंगे, कहे नहीं देंगे, मैच कर देगा बी से, भी रिएक्शन हो जाएगा ध्यान से, ठीक है। ये किसको देंगे, बस ओ को देंगे, ए बी वाला लोग बड़ी खतरनाक हो रहा है, देख रहे हैं खाली ओ को दे रहा है, और जो ये नील है इसमें तो कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, सबको दे देगा, कोई मैच नहीं करेगा इससे, ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, दे देगा उसको, ले लीजिए आप, दे दिया, ठीक है, बी से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, दे देगा उसको भी देगा, आप भी ले जाइए, ए बी से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ना, उसको भी दे देगा, आप भी ले जाइए, इसको देगा, एकदम देगा, का है कैसे, इसका कोई एंटीजन नहीं है कि मैच करेगा, या फिर एंटीबॉडी कोई नहीं है, इसमें नील है, एको भी नहीं है, देखिए लिख देते हैं आप, कंफ्यूज आ जाएगा, इसमें नील है, इसमें कुछ नहीं है, इसको भी दे देगा ये। अब बताइए ये किसको किसको दिया, ये किसको किसको दिया, मैक्सिमम मतलब ज्यादा लोग यही दे रहे, देख रहे हैं, एक दो तीन चार, मतलब एक दो तीन चार, चार आदमी को दे दिया, तो इसको यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे, कौन सा डोनर, यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे, ठीक है। हाई देखिए सबसे लिया है, सबसे लिया है ना, इसको क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिसीवर, समझ गए, ये सबको दे रहा है और ये सबको ले रहा है, यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रिसीवर। उम्मीद है कि मतलब वीडियो में अच्छा से समझ में आ गया होगा, इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता होगा या फिर मेरे से बताने में कुछ मिस्टेक हो गया हो तो बताइए, आप कमेंट में करिए, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, फिर इसको नया वीडियो बनाया जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।